दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वरुण जी कहते हैं जो खीरा है उसके अंदर से अगर हम उसके सीड्स निकाल कर लगाएंगे तो क्या वो लग जाएंगे? देखिए, खीरे के अंदर से सीड्स आप निकाल कर लगाएंगे तो वो लग जाएंगे, लेकिन जो खीरा है वो आपका पका हुआ होना चाहिए। अगर कच्चे खीरे जो मार्केट में मिलते हैं अगर वो आप लेकर आएंगे और उनके सीड्स निकालेंगे तो वो जो सीड्स उनके वो कच्चे होते हैं तो आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पका हुआ फ्रूट होना चाहिए और ताकि उसके जो सीड्स है वो पके हुए। एक चीज और होती है इनके अंदर, जैसे ही आप जो मार्केट से हम सीड्स लेकर आते हैं वो क्या है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनकी क्या है, जो उनको दवा से उपचारित किया जाता है जिससे कि जो प्लांट है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ना बीज को कोई दीमक वगैरह खाती है, ना जब प्लांट बड़ा होता है तब उसमें रोग लगते हैं। मेरा जो खीरा दिखाया था वो काफी अच्छा था, हालांकि उसके सीड्स थोड़े कॉस्टली थे, वो हमने उगाव से लिए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। दोस्तों, अगला सवाल मियान जी का है, वो कहते हैं कि जो ग्राफ्टिंग है वो कितने प्रकार की होती है? देखिए, ग्राफ्टिंग काफी तरह की होती है, लेकिन मोस्टली जो ग्राफ्टिंग है वी ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग और एक और है फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग है। जो अप्रोच ग्राफ्टिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो कि हमने भी की थी एक बार, उसमें ये होता है कि दो प्लांटों को नजदीक रख दिया जाता है, या एक बड़ा प्लांट अगर मदर प्लांट है तो उसके पास छोटा प्लांट ले जाकर उनको आपस में अटैच कर दिया जाता है, जैसे कि हमने अमरूद की जो ग्राफ्टिंग की थी उसके अंदर जो किया था। एक होता है वी ग्राफ्टिंग जो हमने मलबेरी पे की थी, दूसरा जो फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग होती है उसके अंदर होता है जो स्टिक होती है उसके चार भाग में उसको बांट दिया जाता है और चारों साइड उसके जो छिलके हैं जो बाहर का उनको निकाल के बीच का जो हिस्सा है वो निकाल दिया जाता है और उस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। और जो बर्ड ग्राफ्टिंग है वो हमने जो गुलाब पे की, बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं, टी बर्डिंग भी कहते हैं। और एक जो व्हिप ग्राफ्टिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, दो जैसे हम पेंसिल की तरह छीलते हैं सेम, एक इस साइड से कट लगाते हैं उसको इस साइड से, दोनों कट को आपस में मिला देते हैं, एक वो होती है। और भी काफी तरह की ग्राफ्टिंग होती है। और ग्राफ्टिंग का जो मेन जो काम है वो यही होता है, ग्राफ्टिंग का फायदा कि जो हमारा छोटा प्लांट होता है जो हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसपे जो फ्रूटिंग है वो नहीं आती। क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी क्वेरी यही होती है कि हमारे प्लांट पर फ्रूट जो है स्टार्ट नहीं हुए, तो उसका यही कारण है कि उनपे जो ग्राफ्टिंग है वो नहीं की होती, क्योंकि सीड से जब प्लांट लगाते हैं तो उसको जब तक उसकी एज नहीं होगी तब तक उस पर फ्रूटिंग नहीं आएगी। लेकिन जल्दी फ्रूटिंग लेने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करनी होती है। जिस प्लांट पर फ्रूट आते हैं उसकी एक ब्रांच ले आइए और उसको ग्राफ्ट कर दीजिए अपने सीड्स वाले प्लांट पर, तो उस पर जो ग्राफ्ट जो फ्रूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल लोकेश जी का है, वो कहते हैं कि जो पेठा है यानी कि जो पंपकिन है उस पर जो फ्रूटिंग है वो अच्छी से होती है, लेकिन जब चिक्कू के जितना जब फ्रूट होता है तो वो गिर जाता है, तो उसका क्या करना है? देखिए, उसके अंदर आप अगर चेक करेंगे तो उसमें कुछ कीड़े लगे होंगे छोटे छोटे, तो वो क्या है, फल मक्खी के कारण ऐसा होता है। फल मक्खी, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, फल मक्खी क्या करती है, फ्रूट के ऊपर बैठती है और उसके अंदर जो अंडे है वो दे देती है। जब वो अंडे से जो कीड़े बनते हैं तो वो कीड़े अंदर ही अंदर फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फ्रूट जो है वो सड़ जाते हैं, बेल से गिर जाते हैं। इसलिए आप जो मेलाथियन है वो यूज कर सकते हैं, या आप अपने नजदीक के स्टोर पर जाइए, नजदीक की जो बीज की दुकान है वहां जाइए और उनसे पता कीजिए कि जो फल मक्खी है उसके लिए कोई अच्छी दवा दीजिए, तो वो आपको कुछ और अच्छी दवा देंगे, वो आप ट्राई कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।